हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मेरा नाम है आरबी अधोरम भाई, आप देख रहे हो टेक्नो 2.0। आज हम बताने हैं शादी कार्ड इनविटेशन कार्ड वीडियो कैसे बना सकते हो, जो आपको स्क्रीन पे देख कर, जो आपको थंबनेल देख कर आ रहे हो, सेम टू सेम इसको इस तरह बनाना हम आपको सिखाएंगे। तो पहले आपको क्या करना है, आपको काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। काइन मास्टर ओपन करने के बाद आपको पहले क्रेडिट नाउ पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 16x9 आपको सेलेक्ट करना है, उसको नेक्स्ट कर लेना है। साइज कुछ इस तरह से होने वाला है। उसके बाद आपको एक इन्फेक्टेड वीडियो देखने को मिल जाएगा, जो आपको वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पर कुछ इस तरह का वीडियो आपको सेलेक्ट होगा। इस तरह वीडियो का हम आपको जो पीछे का बैकग्राउंड सॉन्ग होता है इसको चला कर नहीं बताएंगे, वरना आपको कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम भी मिल सकता है। आपको क्या करना, आपको जो इन्फेक्ट आपको हम चला कर दिखा देते हैं, कुछ इस तरह का इन्फेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो हम शादी का कार्ड का कुछ इस तरह का बना लेंगे। दुल्हन और दूल्हा का फोटो कैसे लगाना है, कैसे कैसे यूज करना, कैसे नाम लिखना है, कैसे आपको यहाँ पर डिटेल पता लिखना, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो कार्ड कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको पहले क्या करना, जो ये वाला इन्फेक्ट आपको आ रहा है तो पहले इस पर सिलेक्ट करना हो। उसके बाद यहाँ पर आपको कैसे दुल्हन का फोटो लगाना हो वो हमको पहले आपको बता देता हूँ। तो जो लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब फॉलो ना किए, फॉलो करो प्लीज, सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन दबाना। अब यहाँ पर आपको फोटो कैसे लगाना मैं बता देता हूँ। फोटो लगाने के लिए आपको लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद आपको यहाँ पर दुल्हन का फोटो लेना है। डाउनलोड पे जाएंगे, यहाँ से हम एक दुल्हन का फोटो ले लेते हैं। उसके बाद कुछ इस तरह से आपको साइज को आपको क्रॉप कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्रॉप वाले पे जाना है, आपको मास्क पे जाना है। मास्क को ऑन करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर गोला वाला ले लेंगे। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से आपको एकदम गोला साइज कर लेना है और दुल्हन का फोटो यहाँ पर बीच में लेकर आना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर से ओके कर देना। अब यहाँ पर देखने को मिला कुछ इस तरह का इम्पैक्ट। अब यहाँ पर आपको बीच में एकदम लगाना है। अगर आपको समझ में आता है एक ही बार में तो आपको बहुत ही बेहतरीन होगा, बाकी आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं। उसके बाद इसका लेयर आपको बढ़ा देना है। अब यहाँ पर देख लेना, जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है वहाँ तक आपको ये लेयर लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम इसको चला कर देखते हैं यहाँ पर हम कैसे लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर हल्का सा बैक हो रहा है, यानी आपको हल्का सा बैक हो रहा है, तो इसको हल्का सा आगे कर लेंगे। उसके बाद आपको इसमें एक इन्फेक्ट देना है, इन्फेक्ट भी इस तरह कर लेना है। उसके बाद 05 पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हम चला कर देख लेते हैं कैसा यहाँ पर इन्फेक्ट आ रहा है। एकदम बेहतरीन एकदम साइज का सिलेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पर आपको नाम लिखना है जिस इनका जो नाम हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए कहाँ ख़त्म हो रहा है, ये इसका यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको यहाँ पर कट करना है दुल्हन का फोटो। और इसके बाद आपको यहाँ पर इस बीच वाले सेलेक्ट करके यहाँ पर आउट इन्विटेशन में जाना है। यहाँ से आउट वाले यानी बैक वाला करना है, उसको 505 पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर देख लेते हैं किस तरह आपको इन्विटेशन कार्ड यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए काफ़ी बेहतरीन हो रहा है। अब यहाँ पर इनका नाम लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर साइड में आपको यहाँ पर इनका जो आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रहा था आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर इनका नाम लिखना, जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ यहाँ पर शो हो रहा है इन्फेक्ट। तो यहाँ पर लेयर पे जाएंगे, यहाँ पर टेस्ट लेंगे। अब इनका जो नाम हम लिखेंगे तैसे यहाँ पर लिख देते हैं पूजा, ठीक है। तो यहाँ पर पूजा मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर हम यादव डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिले पूजा यादव कुछ इस तरह से लिखा गया है। उसके बाद आपको इनसी वाले पे ए पे जाना है, सॉरी। उसके बाद इस पे जाने के बाद उसके बाद यहाँ पर से एक हमको टेस्ट लेना, जो टेस्ट आपको बेहतरीन लगे उसको टेस्ट को ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कलर पे जाना है, यहाँ पर पीला वाला ले लेना, ओके कर देना। उसके बाद कुछ इस तरह से आपको देखने को मिला है। आपको यहाँ पर इसके साइज यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर चला कर हम एक बार और देख लेते हैं, सॉरी एक मिनट के लिए थोड़ा वेट करें, ये फोन आ रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर देख लेना है ए आपका जो नाम लिख रहा है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हो रहा है। इसमें भी हम एक आपको इन इन्विटेशन वाला यहाँ पर इन्फेक्ट देंगे तो आपको बेहतरीन देखने को लगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं आपको किस तरह लग रहा है। यहाँ पर पूजा यादव शो कर रहा है, यहाँ पर इनका फोटो, ठीक है, दुल्हन का फोटो। अब आगे वाला स्टेप हम बता रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लेना। अब इधर आपको दुल्हे का लगाना है, यहाँ पर दूसरा वाला इन्विटेशन दे रहा है। तो आपको यहाँ पर जहाँ दिख रहा है यहाँ पर शो कर रहा है, तो यहाँ पर आपको दुल्हे का फोटो लगाना है। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लॉप करना है, उसके बाद लेयर पे जाना है, यहाँ पर इसमें जाना है। आपको डाउनलोड में जाने के बाद दूल्हे का भी हम यहाँ पर से फोटो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस पर टैप करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर जाना मॉस्को में। मॉस्को में जाने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, गोला वाला कर लेना है। उसके बाद गोला वाला कर लेना है, दूल्हे का फोटो यहाँ पर बीच पर सेलेक्ट करके ओके करना है। अब यहाँ पर देखना है इसको, आप अपने हिसाब से यहाँ पर मैनेज कर लेना है, जितना गोले वाले में बैठ जाए, जितना आपको अच्छा लगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप कर लेना है। उसके बाद इसका भी लेयर हम हल्का सा बढ़ा देंगे।
उसके बाद आपको यहाँ पर देख रहे हैं आपको कितना बेहतरीन कब देख रहा है, यहाँ पर शो हो रहा है ठीक है। इसमें भी हम थोड़ा सा इन्फेक्ट दे देंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद इसको 0.5 पे कर लेना है, ओके करना है ठीक है। अब यहाँ पर एक बार हम फिर और चलाकर हम दिखा लेते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अब यहाँ पर इनका नाम लिखना है, इनका भी जो नाम हो, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, बैक करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे आपको यहाँ पर इन्फेक्ट में यहाँ पर नेम पे, तो नेम पे जो भी इनका नाम है तैसे यहाँ पर अभय यादव लिखते हैं, ABHAY ठीक है, अभय ठीक है, ABHAY ठीक है, तो यहाँ पर अभय यादव ठीक है, तो यहाँ पर हम भी यादव लिख देते हैं अभय यादव। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से लेकर आना है नीचे लेयर, और यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर जाना कलर में, कलर में जाने के बाद पीला कर लेना है। उसके बाद चाहे तो यहाँ पर से ऊपर नीचे से शेडो वेडो भी लगा सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर देख लेना है इनके नाम के साथ आपको कैसा सेव हो रहा है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा आगे कर लेंगे, उसका इसका भी हम लेयर बढ़ा देंगे यहाँ तक ठीक है। वीडियो थोड़ा सा भारी हो जाएगा लेकिन आपको हम बहुत बेहतरीन तरह से समझा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए कितनी बेहतरीन आपको यहाँ पर शो हो रहा है ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पर इनका जहाँ ख़त्म हो रहा है यहाँ से यहाँ तक लेयर को हम कटआउट कर देंगे, और इसको नेम को भी यहाँ से हम यहाँ तक इसको हम भी हम कट आउट कर देंगे ठीक है, ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर देख लेना है यहाँ से हल्का सा हम बढ़ा देंगे क्योंकि देखने में कुछ बेहतरीन लगे, यहाँ से लेके यहाँ तक कट आउट करेंगे। उसके बाद इसमें बैक वाला इन्फेक्टेशन आएंगे ऑटो वाला, उसका थिंग कुछ इस तरह से शो हो जाए। उसके बाद 0.5 पे क्लिक करके लगा लेना है। अब आगे का यहाँ पर डेट दे रहा है ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, डेट वाला ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आगे वाले में डेट डालना है जो आपको यहाँ पर शादी कार्ड का यहाँ पर डेट हो ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं यहाँ पर डेट ठीक है, जो भी डेट हो 12/05/2022 ठीक है, कुछ इस तरह डेट डाल देते हैं। उसके बाद डेट को भी यहाँ पर से यहाँ तक करेंगे, इसको डेट में जहाँ भी आपको देखने को लगे इस तरह लगा लेना है। उसके बाद इसमें भी पीला वाला इन्फेक्ट दे देंगे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं डेट कहाँ से कहाँ तक यहाँ पर शो हो रहा है ठीक है, यहाँ तक ठीक है, इसको भी हम यहाँ से कट आउट कर लेते हैं, ज़्यादा जो बाहर नहीं कर रहा है। उसका इसमें भी एक हम इन्फेक्ट देंगे जो आपको देखने में अच्छा लगे ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 0.5 पे क्लिक करके यहाँ पर से यहाँ तक, उसके बाद ऑटो यहाँ पर ऑटो आउट वाला ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पर से जो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से इन्फेक्ट देखने को लगे। उसके बाद आपको क्या करना है देखने को, देखिए 12/5/2022 यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। वहाँ पर थोड़ा सा और आगे जाएंगे, अब यहाँ पर फॉर यू लिख रहा है, यहाँ पर जाएंगे थोड़ा सा और आगे जाएंगे थोड़ा सा यहाँ पर पूरा डिटेल यहाँ पर जहाँ आपका जो भी आपका डिटेल पता हो यहाँ पर डाल सकते हैं, यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर से इसको आप अपने हिसाब से सेव कर लेंगे ठीक है। अब यहाँ पर पहले हम शुरू से चला कर हम दिखाते हैं आपको किस तरह से इन्फेक्टेड देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हम शो हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो चला कर दिखाते हैं, उसको सेव कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए कितनी बेहतरीन ये वीडियो चल रहा है, थोड़ा सा हम वेट कर लेंगे, यहाँ पर पूरा वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम सेव करने के लिए बता देंगे। तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह से दूल्हे और दुल्हन का फोटो यहाँ पर सेलेक्ट शो हो रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ठीक है, उसके बाद आपको डिटेल पता, उसके बाद डिटेल पता के बाद आपको जो भी चीज़ डालना चाहते हैं वहाँ पर डाल सकते हो। यहाँ पर पूरा वीडियो हमने आपको समझा दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव पे जाना है, उसके बाद जितना पे जाकर यहाँ पर से सेव कर सेव टू सेव पे क्लिक कर लेना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना, और आपको समझना आए तो नीचे कमेंट करना, एक बार और वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।